मंसूर साहब माशाल्लाह हम जितना इसकी तारीफ करें ना वो कम है। मजा आ गया देखने के बाद। ऐसी बात है, बिल्कुल फुल फ्लेज हॉस्पिटल जो एक खास अस्पताल होता है वो तमाम चीजें यहाँ मौजूद। और सबसे अच्छी बात है डिसिप्लिन, सफाई सुथराई, और आपके पास मैं तो कंसल्टेंट रूम में गया ना तो वहां जाके हैरान लग गया कि 19 कंसल्टेंट रूम है आपके पास, यानी एक वक्त में 19 डॉक्टर्स बैठ सकते हैं। 2011 से मैं हूँ यहाँ पर। मुश्ताक इलाही फैमिली में हमारे बहुत सीनियर, हमारे बुजुर्ग, हमारे सरपरस्त जनाब महमूद इलाही फारूकी साहब की फैमिली की तरफ से ये डोनेट किया गया है। माशाल्लाह। अच्छा ये कितनी शिफ्ट है आपके पास? ये हमारे पास 3 शिफ्टों की हमारे पास गुंजाइश है। इस वक्त हमारे पास 2 शिफ्ट है अपनी फुल कैपेसिटी में, यानी 12 डायलिसिस आपके पास हो रहे होते हैं। 11 डायलिसिस हमारे एक शिफ्ट में, हमारे पास गुंजाइश है रोजाना के 33 डायलिसिस की, तो हमारी ये तकरीबन 900 डायलिसिस पर मंथ की, 900 से 1000 डायलिसिस पर मंथ की कैपेसिटी है। जबरदस्त। ये एक्चुअल में हमारा आई डिपार्टमेंट है जिसमें हमने 2 से 3 कंसल्टेशन रूम यहाँ मौजूद हैं, थिएटर मौजूद है, डायग्नोस्टिक यहाँ पे मौजूद है। जब पेशेंट हमारे पास आता है और अगर उसको अल्लाह न करे सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ जाए तो हम एक ही जगह वन रूम उसको यहाँ फैसिलिटेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा आईसीयू है, यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल कंडीशन में जो पेशेंट होते हैं वो हमारे पास आते हैं। जैसे ये बच्चा है हमारा शाहजैन, ये हमारे पास एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आया था। इस बच्चे की फौरी तौर पर सर्जरी की गई है, पीडियाट्रिक सर्जन ने हमारे पास इसकी सर्जरी की है और माशाल्लाह अब ये रिकवरी के फेज से गुजर रहा है। ठीक। जिनमें सर फहरिस्त हमारे गायनी के हैं, हमारे पीडियाट्रिशियंस हैं, हमारे पास न्यूरो सर्जन हैं, हमारे पास जनरल सर्जन हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, हमारे पास गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, हेपेटोलॉजिस्ट हैं हमारे पास। ठीक। हमारे पास ऑलमोस्ट मेडिसिन की भी सारी स्पेशलिटीज़ को कवर करते हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, चेस्ट फिजिशियन हैं हमारे पास, और हमारे पास इंटरनल मेडिसिन वाले हैं, डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। तो माशाल्लाह 46-47 कंसल्टेंट्स हैं जो कि फेलो हैं हमारे पास। ठीक है। मैं प्राइमरी केयर के अंदर तो मैं बड़ा फ़ख्र से कह सकता हूँ कि कराची के बेहतरीन अस्पतालों में से है, मगर मैं हम टर्शियरी केयर की तरफ जाएंगे, हमें MRI की, CT स्कैन की ज़रूरत पड़ेगी। और जो एक हमारे एक बुज़ुर्गों का ख्वाब था, जो मेरा भी ख्वाब है कि इसको हम एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की में तब्दील करें और अपनी ज़िंदगी में तब्दील कर लूँ, तो ये मेरा बहुत बड़ा एक ख्वाब है। और मुझे आप सबका इसमें ताबुन चाहिए होगा और बरादरी का भी ताबुन चाहिए होगा कि लोग ताबुन करें, तो क्योंकि अपने बरादरी में क्यों नहीं हो सकता कहते हैं मेडिकल स्कूल कहते हैं, हमारे अंदर क्या कमी है कहते हैं।